गौरव जी, वो कह रहे हैं कि एलजी पर इसी केस में क्यों नहीं अभी तक कुछ भी जांच हुई है। उनका सीधा आरोप यहां पर जा रहा है कि एलजी पर कुछ जांच क्यों नहीं हो रही है। इस्तीफे की मांग मत कीजिए, आप सीधा कह रहे हैं आलोक जी। अंजना जी, आपका इतना अनुभव है, आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है जो पूछा जाना चाहिए? एक सवाल है, न्यायालय में भरोसा है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं दे रहा। सवाल सिर्फ ये पूछा जाना चाहिए कि न्यायालय में तुम्हारा भरोसा है या नहीं है। और कांग्रेस से सवाल क्या पूछा जाना चाहिए मैं बताता हूं। और ये बात समझिएगा कि आपके अनुभव पे सवाल उठा रहा हूं, लेकिन सवाल केवल यही है और जो पूछ रहा हूं आपको दिखाता हूं। ये देखिए उत्तर, ये कांग्रेस इकाई के दिल्ली के अध्यक्ष, इन्होंने ट्वीट किया, मेरे हाथ में है। क्या बोलते हैं? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया स्वागत। अनिल चौधरी बोले सीएम केजरीवाल को भी जेल में होना चाहिए। यह है, इनका पक्ष रख रहे थे। उसके बाद अजय माकन, सारे प्रवक्ता आके बोले श्रेय हमें मिलना चाहिए, हमने ये बात उठाई। अरे श्रेय आप ले लीजिए, अगर कोई दिल्ली को लूट रहा है, नशा करवा रहा है, घूसखोरी कर रहा है, कुछ वोटों के लिए अपना ईमान बेच दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं इनको बताता हूं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है, जिसने लाखों करोड़ रुपया भारत के नागरिकों का खाया हो, कुछ हजार करोड़ का घोटाला ही तो है इनके लिए, कुछ हजार करोड़ का, जैसे वो बच्चे थे। आपने सुना, संसद पे लोकतंत्र का मंदिर है, एक हमला होता है, कांग्रेस के प्रवक्ता की असली सोच विचारधारा बाहर आ गई, वो बोले वो बच्चे मासूम से कितने इनोसेंट हैं, जैसे अफजल गुरु, जैसे याकूब मेमेन, ये लोग वो है जो चाहते हैं कि भारत को नष्ट कर दिया जाए, केवल इनका खानदान आगे बढ़े। अब मैं एक इनकी बात का उत्तर देता हूं। इन्होंने बार बार ये सवाल पूछा है, इन्होंने कहा कि वो बताओ 10 साल में मोदी जी आए, एफआईआर हुई और उसके बाद कन्विक्शन हुआ, दोष सिद्ध हुआ। लिख लीजिए आलोक शर्मा, आइंदा से ये सवाल कभी ना पूछना। हरी नारायण, ईडी का केस था, एफआईआर हुई, 2017 में कन्विक्शन हुआ। अनोश इक्का, ठीक है लिख लो बे, अगली बार मत पूछना। अनोश इक्का, एफआईआर हुई हमारे टर्म में, कन्विक्शन हुआ। लालू प्रसाद यादव, ऐसे 1, 2, 3, 4 मामले हैं जहां कन्विक्शन हुआ, हमारी सरकार में हुआ। इसके बाद विजय डाडा, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कन्विक्शन हुआ, हमारी सरकार में हुआ। और जो पिंजरे का तोता आपने बनाया था सीबीआई को ना, आज ईडी सीबीआई निष्पक्ष है, वो डरते नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी का कौन नेता है या भाजपा का कौन नेता है, वो अपना कार्य करते हैं। न्यायालय आपको आईना दिखा रहा है, आपकी सूरत बदसूरत हो चुकी है, जनता आपको नकार रही है। अब एक बात अंत करूंगा इस बात पे, आपने कहा ना जेल से सरकार चलाएंगे, अरे मैं कहूंगा जब 1 लाख भ्रष्टाचारी और ठग धरती छोड़ते हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल की मूंछ का एक बाल आता है। आपको याद है अंजना जी, सतेंद्र जैन 9 महीने तक वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, कोविड की महामारी भी थी, उनको स्वास्थ्य मंत्री पद से नहीं हटाया अरविंद केजरीवाल ने, और उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का ये फैसला लेके बैठा हूं। और एक लाइन में पढ़ देता हूं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि यह अरविंद केजरीवाल को तय करना है मुख्यमंत्री के नाते कि ऐसा व्यक्ति जो जेल में बैठा है वो मंत्री पद पे बैठने लायक है या नहीं है। आज वही पैमाना अरविंद केजरीवाल अपने पे लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता त्रस्त है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, और इसीलिए आप देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा चुनाव में जब जनता वोट करेगी ऐसे भ्रष्टाचारियों का। धन्यवाद। ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी जवाब देना चाह रहे हैं। प्रियंका जी अंजना जी, प्रियंका जी उत्तर, प्रियंका जी बहुत छोटा सा, बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। इन्होंने आपको झूठे तथ्य दिए। सत्येंद्र जैन जी ग्राउंड पे थे, हर हॉस्पिटल में थे, कोविड महामारी में भी कोविड में हॉस्पिटलों में घूम रहे थे। 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दूसरा, इन्होंने अगर हमारी पॉलिसी इनको खराब लगती है तो इनको बोलिए अगर निष्पक्ष जांच है तो अपने एलजी को भी पकड़े, अपने लॉ सेक्रेटरी को भी पकड़े, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को भी पकड़े जिन्होंने उसके ऊपर साइन किया पॉलिसी के ऊपर। तीसरा इनको, जी जी चेक कर लीजिए। तीसरा इनको बोलिए कि
मैं फिर से कह रही हूँ अंजना जी, इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को अपना वसूली विभाग बना दिया है, वो वसूली करने गए। 40 कंपनियां और ऐसी हैं, उस पर आप कभी और डिबेट रखिएगा, मैं बताऊंगी कितनी वसूली हुई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी वसूली की। ये जो शरद चंद्र रेड्डी का मसला है, इसको लाइटली मत लीजिए। इनको बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली, इनको तमीज है ही नहीं क्या? ब्रजभूषण जनता पार्टी के इनके, इनको बोलिए बीच में ना बोले, इनको इनको बताइए, इनको बतना, ये बहुत गंभीर बात है। मैं चाहूंगी पूरा देश इसको दोबारा सुने कि प्रधानमंत्री मोदी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने वसूली की, शरद चंद्र रेड्डी से वसूली की, 60 करोड़ रुपया लिया, फिर उसको बेल दिलवाई, उनकी ईडी ने कोर्ट में कहा उनको बेल में आपत्ति नहीं है, उसके बाद हमारे खिलाफ उसको टर्न कराया अप्रूवर, और उनकी स्टेटमेंट पे, शरद चंद्र रेड्डी की स्टेटमेंट ने, जिसने 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया, कल उनको रिमांड हुई है, हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट के आगे, लेके आएंगे, भाजपा को एक्सपोज करेंगे। ठीक है, कोर्ट पर विश्वास है ना? हाई कोर्ट जो भी कहेगा, या सुप्रीम कोर्ट, या राउज एवेन्यू कोर्ट, इन सब पे विश्वास है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ कोर्ट पर विश्वास है, सिर्फ कोर्ट पर विश्वास है। नहीं, बहुत अच्छा, कोर्ट पर विश्वास करने के अलावा आपके पास चारा नहीं है। ये भरोसा करिए कि कोर्ट ने यदि रिमांड में भेजा है तो कॉन्क्रीट एविडेंसेस होंगे कोर्ट के सामने, इसलिए भेजा होगा। अगर मनीष सिसोदिया जी और संजय जी को बिल नहीं मिली है तो कोर्ट के पास कुछ न कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिसके कारण बिल नहीं मिला। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, कोविड के समय सत्येंद्र जैन अस्पताल में घूम रहे थे। जरा ये भी बता देती कि कोविड के समय दिल्ली सरकार जो दावा करती है कि सारे अस्पतालों की हालत मुस्तैद है, वो खुद अपना इलाज कोविड में किस अस्पताल में करा रहे थे, ये भी बता देते। अब आते हैं आपके ये शरद चंद्र रेड्डी का उदाहरण बार बार आप दे रहे हैं। आपको, आप तो कानून की विद्यार्थी रही हैं, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा कि विजय नायर जो ये बीच में केजरीवाल जी का बिचौलिया था, उसके बारे में ईडी ने क्या लिखा है, उस पर एक चूंचा शब्द आपका नहीं निकलेगा। सवाल यह है कि केजरीवाल इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए थे, वो खुद भ्रष्टाचार में यदि जेल पहुंच जाए तो आपके पास चारा क्या बचता है बोलने को? आप मॉरल ग्राउंड इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में हार चुके हैं, आपके पास कुछ नैतिकता बची नहीं है। बेहतर होता कि आप इस्तीफा देकर के अगर दिल्ली का रास्ता मार्ग प्रशस्त करते कि सरकार सुचारू रूप से चलती तो बेहतर होता। आप एक बात को समझिए प्रियंका कक्कड़ जी, आपकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन इस बात को तो समझिए कि भ्रष्टाचार में अगर 38% नुकसान केजरीवाल खुद स्वीकार करते हैं अपनी शराब नीति में, उस पर आपका जुबान खुलता नहीं, उस पर चुप हो जाते हैं। सीबीआई की जांच आदेश आते ही वो नीति ही वापस ले ली जाती है, उस पर पूरा कभी जुबान नहीं खुलता, सिर्फ कि मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे। अरे सुप्रीम कोर्ट तक जाइए ना, राहत मिले तो बताइए हमें भी कि आपको कोई थोड़ी सी राहत मिली हो। हजारों आरोप आपके पास है लेकिन कोर्ट का कोई पक्ष आपके सामने नहीं खड़ा है, आपके साथ खड़ा नहीं है। ये इस देश को समझ में आता है? जनता भोली नहीं है, सब समझती है। प्रियंका जी, अब आप जवाब भी दीजिए। और दो तीन बातें, कई लोग कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी ने जिस तरह से वीडियो पढ़ा है, या वो खुद एक्टिव होकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से इमोशनल बातें रख रही हैं, क्या उनकी भी पॉलिटिक्स में एंट्री का विचार है? क्या वो सीएम बन सकती है? प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए आपके सामने भी रखा है। दोनों बातों का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे, कोई लॉ उनको प्रिवेंट नहीं करता ऐसा करने में, पहला जवाब आपका। दूसरा जवाब सत्य प्रकाश जी का, कि मैं उनको फिर से बता रही हूँ, पीएमएलए कानून थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, इसलिए रिपीट कर देती हूँ कि भाजपा ने 2018 में ऐसे संशोधन कर दिए कि पीएमएलए में कोई बेल नहीं हो सकती, अनंत काल तक किसी को भी बिना सबूत के जेल में रखा जा सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में बेल हो सकती है, अगर ईडी कोर्ट में जाके कहे, छगन भुजबल के केस में जैसे कहा हमसे फाइल एक हो गई, केस बंद कर दो, अजीत पवार के केस में जैसे कहा इसमें हमें कोई तथ्य नहीं मिला, केस बंद कर दो, जैसा शरद चंद्र रेड्डी के केस में कहा कि इनकी बैक पेन है, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब तक ईडी नहीं कहेगी, जो भाजपा के हाथ में वसूली गैंग है, भाजपा का वसूली गैंग जब तक कोर्ट के आगे नहीं कहेगा कि उनको इंटेरोगेशन नहीं करनी, पीएमएलए कानून में बेल नहीं हो सकती। सत्य प्रकाश जी, आप किसी भी कानूनी सलाहकार से ये बात पूछ लेगा, आपने सही कहा, जनता बहुत समझदार है, वो जानती है। तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ, पूरे देश में सिर्फ दिल्ली एक मुनाफे का बजट है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने दिल्ली के लोगों के पैसे अपनी जेब में नहीं डालते, सरकारी राजस्व बढ़ता है हमारा, हमने इस शराब नीति से भी आज तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्ट किया है, 6821 करोड़, मेरी बात को चेक कर लीजिएगा। आप जिस भी राज्य को और देख लीजिए, मानव जयसवाल लोन पे चढ़ रहे हैं, भाजपा ने 200 करोड़ का लोन लिया है। महुआ मोहित्रा पर जब सीबीआई की रेड्स हो तो आप लोग भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए अभी दिल्ली की सियासत बहुत गर्म है, इसलिए उसके इर्द गिर्द बहस है, मुझे पता है आपको इंतजार करना पड़ा, तो मुझे खरी खोटी मत सुनाइएगा, मैं खुद ही उसके लिए माफी मांग ले रही हूँ।
ये महुआ मोइत्रा पर सीबीआई की रेड्स हो और फिर वही विक्टिम कार्ड, अरे कैश फॉर क्वेरी हो तो उन्होंने खुद ही माना है कि हाँ मतलब मैंने किसी और को दिया था पासवर्ड और उन्होंने सवाल मेरे बिहाफ पे पूछा। अब इस मामले की जांच ना हो क्योंकि चुनाव करीब है, ऐसे तो एक साल से चुनाव चल ही रहा है कहीं ना कहीं। पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार है अंजनी जी, मैं समझा नहीं आपके सवाल। आपने बोला कि उन्होंने खुद ही माना है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, पहले तो आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं, ये नहीं बोला है मैंने। क्या माना है? उन्होंने क्या माना है? उन्होंने माना है कि उन्होंने पासवर्ड दिया था, उन्होंने पासवर्ड दिया था फॉर समवन एल्स टू आस्क अ क्वेश्चन, यही माना है कि पासवर्ड दिया था, खुद नहीं किया है, किसी और ने उनके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा। ये आपने जिस तरीके से बहुत चतुराई से शब्द का जो खेला खेला है तो बहुत आसान है एंकरों के लिए खेलना। आई एम वेरी अनॉयड, नॉट एट ऑल। एंड दूसरी बात है, विक्टिम कार्ड हम नहीं खेलते हैं। एक अकेली महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में है, उससे ये भाजपा सरकार डरी हुई है, मुख्यमंत्रियों के ऊपर उनको जेल पहुंचा रही है। ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के जो नेता आपके साथ बैठे हुए हैं, पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपने साथ बैठा लिया है, या वो जेल में है, दो ही जगह है। आप जेल भेजिए या अपने साथ बैठा लीजिए, जैसे इनके साथ आ जाएंगे तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन हम डरे हुए नहीं है। जो नेत्री जिसकी बात आप कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा जी की, उन्होंने तो पार्लियामेंट के पटल पे बोला, चुनौती दी है कि वो खाली पार्लियामेंट से नहीं, संसद से सड़क पे, सड़क से लेके गटर तक, जहां जहां उनकी कमर उन्होंने कीचड़ बना के रखा है देश में, वहां वहां वो लड़ेंगी। और लड़ेंगी नहीं, हम जीतेंगे। हम लड़ने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। क्यों पता है? ये जो बोलते हैं ना, कानून पर भरोसा है कि नहीं, कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं, हम पूछना चाहते हैं आपको जनता पे भरोसा है कि नहीं? मोदी जी को जनता पे भरोसा है? नहीं है। उनको ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स और इस तरीके से जितने षड्यंत्रकारी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है उन पर भरोसा है। अगर उनको जनता पे भरोसा होता ना तो आज ये देखने को नहीं पड़ता। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। अजीत पवार, अजीत पवार को अब क्लीन चिट मिल रहा है क्योंकि आपकी पार्टी में जो जो आ जाता है वो सब धुल जाते हैं और महुआ मोइत्रा से लेकर अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी नेताओं को चुनाव के पहले आप टारगेट कर रहे हैं। अभी कैंडिडेट महुआ मोइत्रा का अनाउंस हुआ है। ठीक, मैं समय का सदुपयोग करके जो अभी तक कहा गया और आपके प्रश्न दोनों का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले एक बात देखिए, मिथ्या फैलाई जा रही है, कहा जा रहा है पीएमएलए में बेल नहीं होती है। पी चिदम्बरम की बेल हुई, डीके शिवकुमार की बेल हुई और डीके शिवकुमार का मुकदमा निरस्त किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अनिल देशमुख की बेल हुई, संजय राउत की बेल हुई, साकेत गोखले की बेल हुई। ये क्या दिखाता है? बेल होती है, लेकिन जहां पे प्रमाण इतने ठोस हो, साक्ष्य इतने ठोस हो कि न्यायालय उसका अवलोकन करके कहे कि नहीं हम नहीं राहत देंगे, वहां पे न्यायालय का सम्मान होना चाहिए।